हाय गाइस, दिस इज रॉय फ्रॉम स्टूडियो 9 और आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि एप्पल स्टूडियो में आप मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक साथ हम रिकॉर्ड करेंगे वोकल्स और गिटार, कैसे गिटार को ट्यून करना है, कैसे सेट करना है, ये सब कुछ, ऑडियो इंटरफेस कैसे सेट करना है, कैसे आपको मिक्सर सेट करना है, ये सब कुछ हम देखेंगे। आई प्रॉमिस इसके बाद आप एफएल स्टूडियो में मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग करने में कोई भी दिक्कत फेस नहीं करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव, कीप वॉचिंग टिल द एंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक फाइल ओपन किया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया जाता है, दैट इज सेटिंग अप योर डेटा फोल्डर। डेटा फोल्डर क्या होता है? डेटा फोल्डर इज एक्चुअली वेयर यू कीप ऑल ऑफ द ऑडियो फाइल्स, मतलब जितने सारे रिकॉर्डिंग्स होंगे वो तो एक जगह पे स्टोर करना पड़ेगा ना। बाय डिफॉल्ट एफएल के जो फोल्डर रहते हैं वहाँ पे ये स्टोर करना सेफ नहीं है। ऑल्सो अगर आप कहीं पे फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर पूरा प्रोजेक्ट ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस टाइम पे भी इट्स वेरी हैंडी अगर आपका सारा रिकॉर्डिंग एक ही फोल्डर में रहे। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे फाइल सेटिंग्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यूजर डेटा फोल्डर है, दैट इज एक्चुअली वेयर योर रिकॉर्डिंग्स गोइंग टू बी। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं ये वाला। देन दोस्तों प्रोजेक्ट जनरल सेटिंग्स में ऑब्वियसली जो आपका गाना है वो गाना का जो टाइम सिग्नेचर एंड टेम्पो है वो आपको सेट करना पड़ेगा। टाइम सिग्नेचर मैंने 3/4 सेट कर दिया है और टेम्पो मैं कर देता हूँ 145। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे मेरा रेफरेंस ट्रैक के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक ड्रम लूप मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आई विल टेक द स्टीफन स्लेट ड्रम्स जो कि एक VST इंस्ट्रूमेंट है, मैंने परचेस कर रखा है। अगर आप चाहे इसके ऊपर बहुत डिटेल मैंने एक ट्यूटोरियल बना के रखा है, बहुत अच्छा प्लगइन है, बहुत सारे ग्रूव्स लूप्स इसके साथ ही आते हैं, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। तो यहाँ पे मैं किट सिलेक्ट करता हूँ, डिलक्स 2 ऑल्टरनेटिव किट है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे बहुत सारे ग्रूव्स भी है, आई कैन सिलेक्ट समथिंग, सो लेट्स से Let's take this one. तो ये 16 बार लंबा लूप है, इसको मैं प्लेलिस्ट में ले लेता हूं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन FL स्टूडियो। सबसे पहले दोस्तों ट्रैक 2 जो है और ट्रैक 3 जो है यहां पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी ट्रैक में आप कर सकते हैं। सो ट्रैक 2 में मैं क्या करूंगा, इसका जो ट्रैक मोड है इसको चेंज करके ऑडियो ट्रैक कर दूंगा और इसका मैं कर दूंगा इंसर्ट 2। तो अभी क्या हो गया है कि ये ट्रैक को हम बोल दिए हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ ऑडियो ट्रैक, मतलब मैं यहां पे ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा। अभी सेम चीज मैं यहां पे भी करूंगा, ट्रैक मोड चेंज करके ऑडियो ट्रैक मैं यहां पे इंसर्ट 3 कर देता हूं। तो यहां पे भी मैंने बोल दिया कि इसमें मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा। अभी मिक्सर में आपको ये चेंज करना पड़ेगा। अभी आप देखिए मिक्सर में ऑटोमेटिकली जो इंसर्ट 2 है और इंसर्ट 3 है इसके साथ ये लिंक हो चुका है। तो मिक्सर 2 में अगर मैं चेंज करता हूं, लेट्स चेंज द नेम टू वोकल्स और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, तो देखिए इसका भी नाम चेंज होके वोकल्स हो गया। अभी मैं नंबर 3 में जाता हूं, सो लेट्स चेंज दिस टू गिटार्स, तो ये देखिए इसका गिटार हो गया। अभी यहाँ पे दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट है और जो है कि यहाँ पे जो आपका ये नीचे देखिए मिक्सर ट्रैक में रिकॉर्ड आर्म होना चाहिए दोनों के दोनों। अगर आप एक में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो रिकॉर्ड आर्म्ड होना चाहिए, और अगर नहीं है तो ये दोनों में आपको रिकॉर्ड आर्म्ड करना पड़ेगा। ओके, नाउ ये हो जाने के बाद आपका यहाँ पे जो है मिक्सर और प्लेलिस्ट का जो सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो चुका है। Now you have to select your audio interface, connect your audio interface and you have to check the connections and the gain levels. सबसे पहले दोस्तों उसके लिए क्या करेंगे, मास्टर ट्रैक में जाएंगे। मास्टर ट्रैक में एकदम लास्ट में हम लोगों को एक टूल इंसर्ट करना पड़ेगा, वेव कैंडी। तो दोस्तों ये वेव कैंडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आगे भी हम देखेंगे गेन स्टेजिंग के टाइम पे ये बहुत काम में आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, पे हम कर देंगे मीटर और इसका जो व्यू है उसको हम थोड़ा लंबा कर देंगे, इसको रख देते हैं यहां पे डॉक पे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हैंडी व्हेन वी आर मॉनिटरिंग आवर इनपुट लेवल्स, राइट। अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू ऑप्शंस ऑडियो सेटिंग्स। यहां पे आपका जो ऑडियो इंटरफेस है, आप मान लीजिए आपके पास फोकस राइट है, आपके पास कोई ऑडियंट है, कुछ भी है, वो यहां पे शो करेगा।
तो वो आपको चूज कर लेना है नंबर वन ट्रैक पे। याद रखिए नंबर वन ट्रैक पे जो नंबर लेफ्ट की तरफ जो होल है वहां पे मैं माइक्रोफोन इनपुट करूंगा, फैंटम पावर ऑन करना पड़ेगा, और नंबर टू पे मेरा जो गिटार का जो TRS केबल है वो मैं इंसर्ट कर सकता। माइक्रोफोन में ये जो है आपका यहाँ से XLR केबल निकल के जा रहा है आपका नंबर वन पे। नंबर वन पे आपका यहाँ पे गेन आप सेट कर सकते हैं, वैसे गेन आपका यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए और वहां पे हम लोग सॉफ्टवेयर में हम लोग सेट करेंगे जो फाइनल वॉल्यूम है उसको देख के। जैसे कि ये कंडेंसर माइक्रोफोन है तो इसके लिए आपका जो एंटोम पावर है इसको आपको ऑन कर देना है। फिर इंस्ट्रूमेंट से जो आपका केबल निकल के आता है यहां से, फिर इसको लेके जाएंगे हम यहाँ पे प्लग कर देंगे और ये जो है मेरा नंबर टू में जाएगा। गिटार प्लग इन कर लेने के बाद आप यहाँ पे अगर गिटार प्ले करते हैं तो यहाँ पे आपका साउंड आएगा। अगर लाइन मोड पे नहीं आ रहा है तो इंस्ट्रूमेंट मोड पे आप कर सकते हैं उसको, यहाँ पे भी आपको ग्रीन ही रखना है। सो नाउ वी विल गो टू द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जो करना था हम लोगों का कर लिया है। ये हो जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो नंबर पे आना है तो वी हैव टू टेल कि दो नंबर में हम गोइंग टू रिकॉर्ड फ्रॉम आपका Focusrite का जो लेफ्ट वाला है मतलब इनपुट वन। तो यहाँ पे हम आएंगे ये मिक्सर ट्रैक में, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप नन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो दिखाएगा आपके पास कितने सारे ऑप्शन है। मान लीजिए आपका जो Focusrite है उसमें चार ऐसे 1 2 3 4 करके है तो यहाँ पे आपको चार दिखेगा 1 2 3 4, तो आप एक साथ चार भी कर सकते हैं रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैं इनपुट वन कर देता हूँ, डिले आएगा थोड़ा सा, सो आई विल फॉर नाउ आई विल सेलेक्ट नन। तो ये जो डिले का है दिस इज कॉल्ड लेटेंसी, राइट। ये अगर बहुत ज्यादा होता है या फिर थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो आपके कान में आपका जो साउंड है बार बार जाता है और ये प्रॉपरली हो नहीं पाता है रिकॉर्डिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस में जाइए, ऑडियो सेटिंग्स, यहां पे ये जो बफर लेंथ है यहां पे आइए, बफर लेंथ में इसका बफर लेंथ आप कम करिए। लेकिन याद रखिए दोस्तों कि जितना ज्यादा आप कम करेंगे उतना ज्यादा आपके कंप्यूटर के सिस्टम के ऊपर प्रेशर आएगा और वो क्लिप कर सकता है, ग्लिच कर सकता है, क्लिक्स आ सकता है रिकॉर्डिंग में। तो आप मॉडरेटली उसको सेट करिए। दो नंबर पे आपका जो गिटार ट्रैक है वो आना चाहिए, उसका आप चेक कर लेना कि दो नंबर पे आपका गिटार ट्रैक आ रहा है कि नहीं। वी हैव टू सेट द इनपुट गेन लेवल्स रिकॉर्डिंग करते टाइम, हम लोग का जो गेन स्टेजिंग है दैट शुड बी वेरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे अगर जो सिग्नल लेवल है वो क्लिप कर जाता है दैट्स गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर सिग्नल डजंट क्लिप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं दो नंबर पे जा रहा हूं, दो नंबर पे जाके मैं लेट्स सेलेक्ट माई ये इनपुट वन। अभी ये जो डिले आ रहा है इसको बंद करने के लिए यू कैन प्रेस दिस म्यूट बटन, शुडंट क्रॉस -8 dB, इट शुड पीक एट -8 dB। याद रखना है कि -10 dB या फिर -8 dB में आपको पिक करना है, इसके ऊपर नहीं जाना है आपको। गेन कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है तो Focusrite या फिर कोई भी ऑडियो इंटरफेस में आपका जो गेन नॉब है उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं ये वाला। अभी हम लोग थोड़ा सा गिटार अगर आपको ट्यून करना है तो ये 2-3 नंबर पे जा सकते हैं आप, और यहाँ पे आप ट्यूनर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप गिटार का अगर प्लग इन किया हुआ है आपका तो यू शुड बी एबल टू लिसन टू, तो दोस्तों विद दिस वी आर रेडी फॉर रिकॉर्डिंग। अभी आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा क्यू चाहिए तो यहाँ पे आप ये जो बटन है मेट्रोनोम का ऑन रखिएगा, और ये जो 3-2-1 दिख रहा है आपको काउंटडाउन बिफोर रिकॉर्डिंग, इससे क्या होगा हम लोग को एक बार का एक 1-2-3 काउंट मिल जाएगा, सो वी कैन स्टार्ट द रिकॉर्डिंग आफ्टर दैट। तो जो ट्रैक है एक बार सुन लेते हैं सॉन्ग में, सो वी आर गुड टू गो। नाउ वी विल हिट द रिकॉर्ड ऑप्शन, और रिकॉर्ड जैसे ही हम हिट करेंगे यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या रिकॉर्ड करना है, तो यू हैव टू चूज ऑडियो इनटू प्लेलिस्ट एज एन ऑडियो क्लिप। उसके बाद ही ये जो प्ले बटन है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा आपका रिकॉर्डिंग और आप रिकॉर्ड करना शुरू कर दोगे। Yeah.
रिकॉर्डिंग था हम लोगों का हो चुका है अभी. मैंने क्या किया था, एक्चुअली ये एकोस्टिक गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार नहीं है, तो डेफिनेटली जो वोकल माइक्रोफोन है उसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग तो आएगा ही. सो लेट सी दैट वोकल जो है वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं. आपको याद रखना होगा, अगर आप यहाँ पे म्यूट कर दिए हैं दोनों, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये म्यूटेड नहीं रहना चाहिए अभी. बेख्याली में भी तेरा, यू कैन हियर द गिटार ब्लीड. तो नाउ वी कैन एक्चुअली हियर हाउ इट्स साउंडिंग लाइक इन आफ्टर द रिकॉर्डिंग. तो दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे FL Studio में आप मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. वैसे बहुत कम ट्यूटोरियल है इसके बारे में. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना. और दोस्तों ऐसे और भी कई सारे ट्यूटोरियल्स FL Studio के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर उसको चेकआउट करिए. और अगर आपको फर्दर ऐसे ट्यूटोरियल और चाहिए तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जो है उसको प्रेस कर दीजिए. आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली और क्या क्या सब्जेक्ट में ट्यूटोरियल देखना है, उसी को देख के मैं बनाता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स. तो दोस्तों अगर आपको मुझसे क्लासेस करना है, यू कैन सेंड अ मेल टू मी एट studio9kolkata@gmail.com. अगर आपको कोर्स के बारे में ज्यादा जानना है तो यू कैन गो टू studio9musicproduction.com. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा.